वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कैंप कार्यालय पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करना चाहिए, वेतन की तिथि निर्धारित की जाए, कर्मचारी अधिनियम एक्ट के तहत सरकार की मंशा के अनुरूप 15,000 वेतन दिया जाना चाहिए और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का PF न काटा जाए। अगर सफाई कर्मचारी की वेतन की समस्या को नगर निगम द्वारा जल्द नहीं माना गया तो सफाई कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में राजकुमार, राजेश, दीपक, कुलदीप, शेखर, राहुल पाल, बंटी, दिनेश, सत्यम राय, करण, बलवीर, मनीष कुमार, अमन आजाद, अमित कुमार आदि लोग मौजूद थे। समस्याएं तो बहुत है, समस्या चरम सीमा पर है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारी को कोरोना योद्धा बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सफाई कर्मचारियों को उन्होंने योद्धा बताते हैं, परंतु कहीं ना कहीं विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है। जनपद मुराद में 1192 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, परंतु उनकी समस्या चरम सीमा पर हैं। जनपद मुराद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को आज भी 7,500 रुपये वेतन दिया जा रहा है, जो किसी भी कर्मचारी अधिनियम एक्ट में नहीं है। एक परिवार को पालने के लिए कम से कम 15,000 रुपये वेतन होना अति आवश्यक है, जो आज नगर आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया है। और हम आपके माध्यम से खुली चेतावनी देना चाहते हैं।